औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। ये जो एक टेबल बना हुआ है, तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसमें प्लेस वैल्यू टेबल में, इनको हमने क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो पहला ए पार्ट जो है, आपको पता है कि ए पार्ट यानी डेसिमल हमें कहाँ आएगा, टेंस वंस यहाँ, यानी ये 1/10, ये टेंस को हम क्या लिखते हैं, ये वंस टेंस हंड्रेड, वन एक टेंस दस हंड्रेड, इसी तरह टेंस TNTHS, जब इसको 1/10 हंड्रेड TH इसके साथ लगाया, 1/100 थाउजेंड, 1/1000 यहां से आगे, ये टेंथ से, ये वन से इधर यहां इशारे लग गया ये। तो आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि हम ये डेसिमल कहाँ लगा सकते हैं, इस लाइन में, यानी टेंथ 1/10 यहां से जो इस साइड आएगा, अशारी के बाद डेसिमल के बाद ये डिजिट है, और इस साइड के अशारी से पहले के हैं। अब ये हंड्रेड के नीचे जीरो है, टेन के नीचे जीरो है, ये लगाने की जरूरत नहीं है। अब कहां से शुरू करेंगे हम, थ्री 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 के बाद क्या आएगा, पॉइंट यानी डेसिमल, उसके बाद टू, उसके बाद। तो इस तरह यानी हम देख सकते हैं, ये जीरो भी हम नहीं लगाएंगे। अब बी पार्ट जो है, ये इधर वन है, अगर जीरो होता हम नहीं लिखते, वन उसके बाद जीरो, उसके बाद टू बार जो है ये डेसिमल आएगा, उसके बाद सिक्स, उसके बाद थ्री। यानी एक और चीज आप यहां देखेंगे, 102 जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद जब आप पढ़ेंगे, आप यहां देख सकते हैं, पॉइंट के बाद पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट करके पढ़ना है, ये 63, इसको 63 नहीं पढ़ेंगे, यानी पॉइंट के बाद हम पढ़ेंगे 6 और 3। अब सी पार्ट जो है, सी पार्ट ये जीरो छोड़ देंगे, थ्री आगे क्या है, जीरो आगे आएगा, पॉइंट आगे आएगा, 0 to 5। तो इसी तरह डी पार्ट है 2 1 1, उसके बाद ये डेसिमल 9 0 2, लास्ट पे अगर जीरो आएगा, वो जीरो नहीं लिखेंगे, बीच वाला लिखेंगे। ई पार्ट जीरो ये नहीं लिखेंगे, 1 2, उसके बाद डेसिमल, उसके बाद 2, उसके बाद 4 1। यानी ये थे जो टेबल में दिखाया गया है, हमने ये डेसिमल में इसको लिखा है।